कल अपन ने जो अपने पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन था उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐड किया है। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मान लो अपने को नेक्स्ट मेथड ये है, ये गिवन है y इक्वल टू 1 अपॉन x। क्या गिवन है? y इक्वल टू 1 अपॉन x गिवन है। इंटीग्रेशन y dx फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू कर दो, y का वैल्यू है 1 अपॉन x और dx। देखो स्टार्टिंग में जब मैं तुम्हारे को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था? इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला रीड किया था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। कंडीशन बताई थी n नॉट इक्वल टू माइनस 1। कंडीशन क्या बताई थी? n नॉट इक्वल टू माइनस 1, मीनिंग n का वैल्यू माइनस 1 के इक्वल नहीं हो सकता। n का वैल्यू माइनस 1 नहीं हो सकता तो फिर देखो, यहाँ देखो अगर मैं x की पावर को न्यूमरेटर में लिख जाता हूँ माइनस 1 और dx, बट यहाँ देखो कितनी पावर आ रही है? माइनस 1 पावर आ रही है। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस पावर वेक्टर में लिखाओ, इस पावर वेक्टर में लिखाओ dx अपॉन x, इसका फॉर्मूला होता है log e बेस e, वहां बेस log, ये लॉगरिथम होता है, ये भी अपना एक टॉपिक है बेसिक जो फिजिक्स है उसमें यही बचा हुआ है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है, तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बार तुम समझ लो क्या रीडिंग होगी इसको, लॉगरिथम log log ये e का बेस है, log e बेस x, log e बेस x प्लस c, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है इसका फॉर्मूला होता है। और जब log e बेस होता है तो उसको l n भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं उसको? l n भी लिखते हैं, कई जगह तुम्हारे को l n लिखा हुआ भी मिल जाएगा। तो ये है l n x और प्लस c, भाई log e बेस को क्या लिख सकते हैं? l n भी लिख सकते हैं, x के प्लेस पे क्या आ गया बताओ, x से आ गया। क्लियर हो गई बात? फॉर्मूला लर्न करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है। ये हो गया देखो भाई, dx अपॉन x का होगा log e बेस x, log क्या होगा बताओ? e बेस x होगा, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, पता है कब आता है? जब इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखो नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले और इसमें वो भी रीड करते हैं, लिखा हुआ है y इक्वल टू sec स्क्वायर x, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ बताओ? sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन y dx फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू है sec स्क्वायर x और ये है dx, sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन y dx फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू कर दो, y का वैल्यू कर दो, y का वैल्यू कर दिया अपने, क्या cosec स्क्वायर x को कर दिया dx के प्लेस पे dx है, इसका आंसर होता है माइनस 4x प्लस, ये आएगा माइनस 4x प्लस माइनस 4x प्लस 6, ये इसका आंसर है माइनस 4x प्लस 6 इसका आंसर। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लर्न करने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले अपने को लर्न करने हैं।
अगला है y इक्वल टू sec x tan x, y इक्वल टू क्या है बताओ, sec x tan x इंटीग्रेशन y dx फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू कर दिया sec x tan x dx, तो इंटीग्रेशन sec x tan x इसका आंसर आता है sec x, आंसर क्या है बताओ sec x plus x, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन sec x tan x का आंसर क्या है बताओ sec x plus x, ऐसे ही फॉर्मूला लिखा हुआ है cosec x cot x, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बताओ cosec x cot x, इंटीग्रेशन y dx, y का वैल्यू कर दो cosec x cot x dx, cosec x cot x का जो आंसर है वो है माइनस cosec x प्लस माइनस cosec x प्लस x, यह आंसर है माइनस cosec x प्लस x, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने को एज इट इज लर्न करना, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने को एज इट इज लर्न करना है। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है y इक्वल टू 1 अपॉन 4 x प्लस 6, y इक्वल टू 1 अपॉन 4 x प्लस 6 लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन y dx फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू कर दो, y का वैल्यू कर दिया 1 अपॉन 4 x प्लस 6 और ये dx, अब देखो अभी जो अपने फॉर्मेट पढ़ा था क्या इंटीग्रेशन dx अपॉन x, उसका मैंने डायरेक्ट मान फॉर्मूला बताया था log e बेस x प्लस c, और वी कैन से ln x प्लस c, ये बताया था। अब देखो dx अपॉन x नहीं है, x के प्लेस पे क्या है 4x प्लस 6 है, ये मुझे लिए ट्रबल कर रहा है, परेशानी कर रहा है, मैं इसको यू कंसीडर कर लेता हूं, क्या कंसीडर कर लेता हूं, उसको यू कंसीडर कर लेता हूं, तो लेट यू इक्वल टू 4x प्लस 6, इस यू को डिफरेंशिएट करना है, मीनिंग यू का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि अपने को किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बताओ dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखो यह आएगा du by dx, du by dx और यह आ गया d upon dx, u का वैल्यू कर दो, u का वैल्यू कितना है 4x plus 6, सेम रिपीट द टर्म्स को d upon dx, यह आ गया 4x plus d upon dx और यह आ गया 6, क्या गया बताओ 6 पर 4 को आउटसाइड ले लेता हूं du by dx, 4 को आउटसाइड ले लिया, क्या गया dx ओवर dx, 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बताओ 0 हो गया, du by dx का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, और du by dx का जो वैल्यू है वो कितना आ गया बताओ 4 आ गया, अब देखो du by dx का वैल्यू 4 आ गया, तो देखो du by dx का जो वैल्यू 4 आ गया, यहां से dx का वैल्यू फाइंड आउट, dx का वैल्यू कितना आ गया बताओ du by 4, dx का वैल्यू आ गया,
अब भी पेलिंग कर देते हैं अपन वापस से, तो देखो अब देखो वापस से वैल्यू पुट कर देते हैं अपने को इंटीग्रेशन y dx पर कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 x + 6 को क्या कंसीडर किया है अपने, u कंसीडर किया है, ये आ गया 1 अपॉन u dx के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो बताओ dx के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, dy 4 या गया डी बाई फोर क्लियर, वन अपॉन फोर को मैं आउटसाइड ले लेता हूं बाई डी एक्स पर क्या करना चाह रहे हैं, वन अपॉन फोर मैंने आउटसाइड ले लिया, इंटीग्रेशन डी यू बाई यू बताओ उसको देख में आ गया कि ये देखो क्या है डी एक्स बाई एक्स है, तो डी एक्स बाई एक्स का क्या हुआ है बताओ, लॉग ई बेस एक्स हुआ है प्लस सी और बी के से एल एन एक्स हुआ है, तो बताओ du by u का क्या हो जाएगा, बताओ ये 1 by 4 तो कांस्टेंट है, du by u का हो जाएगा log e base u हो जाएगा प्लस c, बताओ u का वैल्यू अपन वापस को कर दे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 by 4 log e base u के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 4x + 6 और x प्लस से शिफ्ट कर दिया, और x प्लस से शिफ्ट कर दिया और प्लस क्या आ गया बताओ सी, लॉग ई बेस को एल एन भी लिख सकते हैं, लॉग ई बेस को क्या लिख सकते हैं एल एन भी लिख सकते हैं, तो और यह लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स देखो 1 बाई 4 एल एन 4x plus 6 plus 8 ये फाइनल ये अपना आंसर है, क्लियर हो भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है क्या, क्वेश्चन क्लियर है क्या, चलो अब अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ मूव करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की तरफ मूव करते हैं, देखो अभी तक अपन जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे वो इंडेफिनेट पढ़ रहे थे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग ये है जिसमें बिल्कुल लिमिट गिवन नहीं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग ये है जिसमें बिल्कुल लिमिट गिवन होती, देखो समझना जिसमें अपने को क्या गिवन होती है बताओ, लिमिट गिवन होती है, जैसे समझो अब अगला जो पढ़ना चाह रहे हैं वो डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना चाह रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल्स और वी कैन से डेफिनेट, सपोज करो ये एक्स एक्स है ये वाई एक्स है, कोई एरिया फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बताओ, एरिया फाइंड आउट होगा, एरिया जो स्टार्ट हो रहा है एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है तो एक्स इक्वल टू टेन जीरो है, देखो कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना है, मैंने कंसीडर किया y ये फंक्शन ऑफ x, y किसका फंक्शन है बताओ, x का फंक्शन, इंटीग्रेशन y dx फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बताओ, इंटीग्रेशन y dx फाइंड आउट करना है, y किसका फंक्शन है बताओ, x का फंक्शन, देखो अब मेरे को इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, तो x i लिखा है इनिशियल, क्या लिखा है x i i इनिशियल मीनिंग जीरो से कहां तक करना है टेन तक, तो अपन तो कोई y के फंक्शन ऑफ x यहां लिख दिया मैंने x f, ये तो हो गया फाइनल, क्या हो गया
पाई नंबर हो गया, और ये क्या हो गया इनिशियल हो गया। ये क्या हो गया आपका इनिशियल हो गया। इसको अपने लोअर लिमिट भी कहा है, क्या कहा है आपको लोअर लिमिट कहा है। इसको अपने क्या कहा है आपको अपर लिमिट कहा है, अपर लिमिट नहीं कहा है। समझ आ रही है ना। और लगा लेता हूँ और है ना, ये इनिशियल वैल्यू है लोअर लिमिट कह सकते हैं, ये फाइनल वैल्यू है अपर लिमिट कह सकते हैं। अब इसे को अपने को कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 10 तक। तो देखो इंटीग्रेशन बाय dx इंटीग्रेशन करना है 0 टू 10, 0 टू कहां तक करना है 10 तक करना है, 0 टू कहां तक करना है बताओ 10 तक करना है। अब कोई ये कहना चाह रहा है कि मैं 0 से 10 तक नहीं करना चाह रहा, मैं तो कोई दूसरा पॉइंट लेना चाह रहा हूं, कोई प्रश्न नहीं कह रहा है कि मैं तो x इक्वल टू 2 से लेके x इक्वल टू 10 तक मीनिंग इतना एरिया फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, इतना एरिया क्या करना चाह रहा हूं बताओ, फाइंड आउट क्या करना चाह रहा हूं। ये जो मैं डार्क कर रहा हूं जितना मैंने डार्क किया उतना एरिया फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो बताओ उसकी एरिया चेंज हो जाएगी भाई, इतना एरिया तो फाइंड आउट करना ही है ना। समझो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 वाला, मतलब x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 वाला नहीं चाहिए, 2 के आसपास चाहिए ना आसपास चाहिए 10 तक, तो उसकी लिमिट चेंज हो गई, कहां से स्टार्ट हो जाएगी बताओ, 2 से स्टार्ट हो जाएगी, कहां तक चलेगी 10 तक चलेगी। अब कोई कह रहा है कि मैं तो x इक्वल टू 10 तक ही फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, x इक्वल टू 8 तक फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, x इक्वल टू कहां तक फाइंड आउट करना चाह रहा हूं 8 तक, x equal to 8 तक find out करना चाह रहा हूँ, कहाँ से x equal to 2 से x equal to 8 तक, तो x equal to 2 से कहाँ तक आ गया बताओ, x equal to 8 तक। तो limits का meaning कहाँ से कहाँ तक अपने को integration नहीं करता, ये meaning। यहाँ जो लिखी होगी वो initial या फिर lower limit होगी, यहाँ जो लिखी होगी final और क्या लिखी होगी upper limit लिखी होगी। अब देखो जैसे अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में टाइप किए थे वैसे अपन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में टाइप किए थे। डेफिनेट में जो फर्स्ट टाइप किया था अपन ने वो ये था, क्या बोल रहे हो y इक्वल टू x की पावर n, क्या लिया था अपन ने y इक्वल टू x की पावर n, यही अपन डेफिनेट में ले लेते हैं, बट थोड़ी सी कंडीशन यहां अलग होगी, लिमिट्स यहां गिवन होगी। देखो इंडेफिनेट में अपने को लिमिट्स गिवन नहीं थी, वहां अपन एक अपने पास कांस्टेंट यूज करते थे c, वो था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां वो कांस्टेंट ऑफ जो इंटीग्रेशन है c उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको हटा देंगे, क्योंकि यहां डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो उसमें जो कांस्टेंट c आ रहा था उसमें वो नहीं आएगा। तो देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है y इक्वल टू x स्क्वायर, क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट्स गिवन है x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4 तक इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक इंटीग्रेशन y dx के टर्म में, y का वैल्यू पुट कर दिया x स्क्वायर dx, देखो 1 टू 4 ये आ गया 1 और ये क्या आ गया, लिमिट्स गिवन है 1 से कहां तक 4 तक गिवन है, ये लोअर लिमिट होगी 1 होगी, ये अपर लिमिट होगी 4 होगी। अब देखो n का वैल्यू कितना है 2 है, x की पावर 2 + 1 / 2 + 1 पावर में 1 ऐड कर दीजिए, फिर
देखो अभी तक वैसे ही कर रहा हूँ जैसे आपको डेफिनेट में करते हैं, क्या डिफरेंस है बताऊंगा मैं। अभी तक मैं वैसे ही कर रहा हूँ, बस जब अपन फॉर्मूला अपन कर देंगे तो इंटीग्रेशन का साइन एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे और ब्रैकेट यूज कर देंगे। लिमिट्स कहां से कहां तक गिवन है, 1 टू 4 गिवन है, ये 1 है और ये कितना है बताओ 4 है। अब देखो ये क्या आ गया, x की पावर 3 हो गया अपॉन कितना हो गया 3 हो गया, 1 टू कितना आ गया बताओ 4 आ गया, 1 से लेके कहां तक आ गए 4 तक आ गए। अब देखो अब क्या करना है, यहां तक तो वैसे ही किया है पर जैसे अपन किस में करते थे, इंडेफिनेट में करते थे, बस उसमें यहां डेरिवेशन नहीं होती थी प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज कर लेते थे। बट यहां करना क्या है, यहां अपने को ऐसे करना है, सबसे पहले अपने को अपर लिमिट पुट करनी है। क्या पुट करनी है, अपर लिमिट अपने को पुट करनी है, फिर माइनस का साइन यूज करना है और लोअर लिमिट पुट करनी है। लोअर लिमिट क्या करनी है बताओ, पुट करनी है पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस साइन यूज करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। पुट कहां करेंगे, देखो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है बताओ, x के रेस्पेक्ट में हुआ है, तो x के प्लेस पे जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है, x के रेस्पेक्ट में हुआ है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ है, तो x के प्लेस पे अपने को लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करने का मेथड यह है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस साइन यूज करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। x के प्लेस पे 4 पुट करो, x के प्लेस पे कितना पुट करो 4, तो x के प्लेस पे 4 पुट कर दिया तो 4 की पावर कितनी होगी 3 अपॉन 3 है माइनस साइन, अपर लिमिट पुट कर दिया x के प्लेस पे माइनस साइन यूज कर दिया, लोअर लिमिट पुट करो x के प्लेस पे 1 पुट करो, 1 की पावर 3 अपॉन 3। अब फोर की पावर 3, 4 को 3 टाइम 16 और 16 4 ये आ गया 64/3 माइनस 1 की पावर 3 बनी होगा भाई 1/3 बताओ एलसीएम मिलेगी 3 64 माइनस 1 63 अपॉन 3 कैंसिल हो रहा है बताओ 2 और 1 ये फाइनली आंसर आ गया प्लस ई यूज नहीं करना है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है प्लस ई यूज नहीं करना है बस इसमें क्या करना है लिमिट्स को पुट कर देना है लिमिट्स को पुट करने का मैंने तुम्हारे को मेथड बता दिया जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है वहां लिमिट पुट करनी है सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस साइन यूज करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं और ले रहा हूं इस बेसिस पे क्वेश्चन पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ ऐसे कुछ हार्ड नहीं है क्या तक तो कोई मेथड लगाया पर तुमने बस लिमिट पुट करना है सो सॉल्व करना है और सी यूज नहीं करना है देखो और लेता हूं मैं क्वेश्चन देखो समझ नहीं पा रहा कैंसिल कर दो y equal to x या y equal to x कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है x equal to 0 to x equal to 3 तक इंटीग्रेशन करना है y dx y का वैल्यू पुट कर दो x और ये dx x पे पावर कितनी है बताओ 1 पावर है देखो कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके कहां तक 3 तक 0 टू 3 अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं बताओ x की पावर 1 है तो फार्मूला लगाओ पावर में 1 ऐड करते हैं तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1 इंटीग्रेशन का साइन एलिमिनेट कर दो और 0 से कहां तक बताओ 3 बताओ कितना आ गया या गया x स्क्वायर अपॉन 2 0 टू 3 0 से लेके कहां तक बताओ 3 तक अब देखो अपर लिमिट पुट कर देंगे x के प्लेस पे 3 पुट कर दो 3 पुट कर दिया 3 का स्क्वायर अपॉन 2
माइनस एक्स के प्लस पे 0 टू रख दो 0 बाय स्क्वायर अपॉन 2 देखो और सॉल्व कर रहे हैं इसको 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 के इनटू 2 0 का स्क्वायर 0 ओवर 2 से डिवाइड करके तो 0 आएगा तो अपना फाइनली आंसर आ गया कितना 9 बाय 2 ये फाइनली आंसर हो गया। और ले चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं भाई y equal to given है 1 upon under root x x का वैल्यू है मेरे पास मतलब जो लिमिट्स गिवन है x equal to 2 से लेके x equal to 4 x equal to 2 से लेके x equal to 4 पर देखो बताओ इंटीग्रेशन y dx फाइंड आउट करना है y का वैल्यू कर दो 1 by root x और ये dx बताओ अंडर रूट x का मीन पावर होती है 1 by 2 पावर और ये dx हो तो इसको न्यूमरेटर में ले जाओ कितना हो जाएगा x की पावर माइनस 1 by 2 क्या और ये dx हो जाएगा पावर में 1 ऐड कर दो पावर में कितना ऐड कर दो बताओ 1 ऐड कर दो x की पावर माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 अतः लिमिट्स भी लगा लिया हमने तो उसे लेके कहां पर कौन का तो ये 2 से उसे कहां पर बताओ वहां पर उसे कहां पर बताओ और का जब यूज हो गया तो इंटीग्रेशन का तो साइन है तो इंटीग्रेशन को रिमूव कर दो उसे लेके कहां पर बताओ और अब देखो माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 तो x की पावर कितना हो जाएगा 1 बाय 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 1 बाय 2 हो जाएगा 2 से लेके कहां तक 4 तक बताओ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा क्या आ जाएगा x की पावर 1 बाय 2 और 2 से कहां तक 4 तक इस 2 को आउटसाइड ले लो क्योंकि 2 में तो अपने को लिमिट पुट करनी नहीं है ना ऊपर का ले लो तो आउटसाइड है और ये आ गया x की पावर कितना 1 बाय 2 उसे लेके कहां पे बताओ 4 तक अपर लिमिट को दो ये तो आउटसाइड है अपर लिमिट को कर दो तो x के प्लेस पे 4 को कर दो तो 4 की पावर 1 बाय 2 फिर माइनस साइन फिर x के प्लेस पे 2 को कर दो तो 2 की पावर 1 बाय 2 हो गए। अब देखो 2 और देखो 2 की 4 की पावर 1 बाय 2 4 की पावर 1 बाय 2 तो देखो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं 4 की पावर 1 बाय 2 का मीन है अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 का मीन कितना है बताओ 2 अंडर रूट 4 का मीन कितना है बताओ 2 है तो 4 की पावर 1 बाय 2 का मीनिंग क्या है बताओ 2 है और ये कितना है बताओ माइनस और अंडर रूट 2 है और आगे सॉल्व कर सकते हैं वो आउटसाइड है ये 2 और अंडर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414 2 में से 1.414 सबट्रैक्ट करके और फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट विल बी फाइनल आंसर वो फाइनल आंसर होगा। मेथड समझ आ रहा है क्या करने का बताओ फटाफट से बस लिमिट्स को कवर करनी है हमको सीधी सीधी कहानी है लिमिट्स को कवर करनी है अगर कई बार इसमें प्रॉब्लम कहां आती है जैसे मान लो मैंने बोला क्वेश्चन ये है y equal to x की पावर माइनस 3 बाई 2 है y equal to क्या है x की पावर माइनस 3 बाई 2 इंटीग्रेशन y dx फाइंड आउट करना है मैंने y का वैल्यू कर दिया अच्छा लिमिट्स भी गिवन है मेरे को और लिमिट्स जो गिवन है वो x equal to 4
4 से लेके 4 टू x इक्वल टू 9 गिवन है, x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 9 गिवन है। इंटीग्रेशन y dx फाइंड आउट करना है, मैंने y का वैल्यू पुट कर दिया x की पावर -3 / 2 dx, लिमिट्स पुट कर देता हूं 4 से कहां तक बताओ 9 तक है। इसमें फॉर्मूला यूज करो x की पावर -3 / 2 + 1 अपॉन -3 / 2 + 1, बताओ जब फॉर्मूला यूज हो गया तो अपने पास इंटीग्रेशन का साइन एलिमिनेट कर दो और लिमिट्स यूज कर लो 4 से कहां तक बताओ 9 तक। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं इसको, माइनस का 3 / 2 प्लस का 1, x की पावर कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 1 / 2 है कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 1 / 2 हो जाएगा और ये भी माइनस का 1 / 2 हो जाएगा, 4 से कहां तक बताओ 9 तक, 4 से 9 तक। अब देखो रेसिप्रोकल होगा तो आउटसाइड चला जाएगा, माइनस को बाहर ले जाओ आउटसाइड, तो ये 2 पर आ गया तो ये माइनस का 2 भी आउटसाइड है। ये कितना लिखा है x की पावर -1 / 2 4 से लेके कहां तक 9। अब कई लोग गलत क्या करते हैं, यही वैल्यू कर देते फिर आगे सोच नहीं होता उनसे, 9 को कर देंगे 9 की पावर -1 / 2 बस वही हो जाएगा, फिर माइनस और फिर 4 की पावर -1 / 2 वही हो जाएगी। करना क्या करना है, अपने को करना क्या है, पावर को पॉजिटिव बनाओ, माइनस की पावर आउटसाइड है, पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो मतलब कुछ पे लेके जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर पे लेके जाना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर पे लेके गए तो क्या आ गया 1 / x की पावर 1 / 2 हो गया, 4 से कहां तक बताओ 9 तक, माइनस का 2 आउटसाइड हो गया, अपर लिमिट को कर दो 1 / x के प्लेस पे 9 को कर दो, x के प्लेस पे आप कर दो 9, तो 9 की पावर कितनी होगी 1 / 2, फिर माइनस साइन, फिर x के प्लेस पे 4 को करो तो 1 / 4 की पावर 1 / 2। क्लियर हुई बात, मैंने बताया पावर को पॉजिटिव में बढ़ाओ, तो पॉजिटिव में कैसे बढ़ाया, इसके लिए क्या आगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिया है, समझ रहे बात, तो डिनोमिनेटर में लिया है, अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस को आउटसाइड है, x के प्लेस पे अपर लिमिट पुट करनी है, तो 1 / 9 की पावर 1 / 2 - 1 / 4 की पावर 1 / 2, बताओ 9 की पावर 1 / 2, 9 की पावर 1 / 2 मीनिंग अंडर रूट 9 हो गया और एक ना आया भी, ऐसे जो 4 की पावर 1 / 2 होगी तो अंडर रूट 4 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया 2। तो अब देखो ये कितना आ गया बताओ, इसके आगे में सॉल्व कर दे रहा हूं, माइनस का 2 ये कितना आ गया बताओ 1 / 3 हो गया और ये कितना हो गया बताओ 1 / 2 हो गया, एलसीएम ले रहा हूं मैं, माइनस को आउटसाइड है बताओ 6 एलसीएम हो गया 2 और ये 3, तो बताओ कितना आ गया, यहां लिख देता हूं उसके बाद में माइनस का 2 आउटसाइड है, यहां से कितना आया बताओ -1 / 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 / 6 हो गया, तो ये 1 / 3 हो जाएगा, ये फाइनल आंसर है अपना 1 / 3, ये अपना फाइनल आंसर है क्या 1 / 3। तो इसमें थोड़ा अलग क्या था, अलग ये था कि पावर जब नेगेटिव में है तो वहां वैल्यू पुट नहीं करना, उसको पॉजिटिव में बना के फिर बाद में वैल्यू पुट करना, क्लियर हुई बात। अब देखो सेकंड मेथड पे आते हैं, इंडेफिनेट टू सेकंड रूल या सेकंड टाइप पढ़ाता वो ही डेफिनेट में सेकंड करते हैं, सेकंड में लिखा हुआ था y इक्वल टू ए एक्स की पावर n, जो है एक कांस्टेंट था, ए क्या था बताओ कांस्टेंट था, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 तक इंटीग्रेशन करना है, देखो y dx फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू पुट कर दो 2x क्यूब dx, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 तक। अब देखो ये जो 2 है उसको आउटसाइड है, उसमें a की है
भाई पहले भी अपन लिमिट्स को बोलो एक बार बताओ, पहले जब अपन इंडेफिनिट कर रहे थे तब यहां जो कांस्टेंट था उसको आउटसाइड ले रहे थे नहीं ले रहे थे, तो पहले आउटसाइड ले रहे थे तो अभी भी आउटसाइड ले लो, तो 2 को आउटसाइड ले लिया 1 से लेके 2 तक x की पावर 3 dx, बताओ कितना हो जाएगा, तो आउटसाइड है और ये x की पावर हो जाएगा 3 + 1 / 3 + 1, 1 से कहां तक बताओ 2 तक, 1 से कहां तक बताओ 2 तक, 2 आउटसाइड है, ये x की पावर 4 हो गया / 4 हो गया 1 से 2 तक। पहले अपर लिमिट को कर देंगे तो देखो 2 आउटसाइड है, अपर लिमिट को कर दो इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है x के रेस्पेक्ट में, तो x के प्लेस पे लिमिट को कर दी है, x के प्लेस पे 2 को कर दो तो 2 की पावर 4 हो गया / 4 माइनस x के प्लेस पे 1 को कर दो तो 1 की पावर 4 / 4 2 आउटसाइड है 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम्स में है तो 16 हो गया क्या, 16/4 -1/4 एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 15/4 आ जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आंसर विल बी 15/2। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर हो रहे हैं क्या क्वेश्चन लिमिट्स वाले डेफिनेट में? अब बस एक या दो दिन का अपने पास इंटीग्रेशन और बचा है, उसके बाद में अपने लॉगरिथम पढ़ेंगे एक दो दिन का वो है, फिर चैप्टर स्टार्ट होगा तुम्हारा। ओके आज के लिए इतना ही, थैंक यू।